नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, बल्कि उनकी बहू बेटी समेत 18 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग गया के महाकार गांव स्थित आवास में फिलहाल आइसोलेशन में हैं। अभी सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि जो खबर निकल कर के सामने आई है, उसके अनुसार सभी लोगों को सांस लेने में परेशानी या कोई अन्य गंभीर शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही पूरे राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। खबरों की माने तो सर्दी, खांसी और बुखार के बाद सभी की कोविड 19 जांच करवाई गई थी। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत परिवार के कई लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें कोविड के लक्षण जैसी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद ही उनकी जांच करवाई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल जीतन राम मांझी पूरे परिवार के साथ अपने घर में आइसोलेशन में है। पूर्व सीएम इससे पहले भी कोविड संक्रमित हो चुके हैं। पिछली बार की बात करें तो मांझी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी थी। इससे पहले सोमवार को ही, हाल ही की अगर हम बात करें, तो ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने कोविड 19 को लेकर के सुझाव दिया था कि जनता दरबार का आयोजन ना करें। जनता दरबार का आयोजन करने से कोविड की स्थिति भयावह हो सकती है और तेजी से कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि बिहार में तेजी से पिछले कुछ दिनों के अगर आंकड़ों को देखें तो कई लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सीएम नीतीश को एहतियाती कदम उठाने की नसीहत तो दी थी, लेकिन अब खुद वो परिवार के साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। गया समेत पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पटना और गया, ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। खबर लिखे जाने तक रविवार को 4,810 लोगों की जांच की गई थी। इनमें से गया की बात करें तो 109 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। संक्रमितों में 35 महिलाएं भी हैं, जबकि कई किशोर भी संक्रमित हुए हैं। गया में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर के 315 तक पहुंच गई है। यानी कि कमोबेश बिहार में कोविड 19 का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अब इसकी आंच राजनीतिक गलियारे तक पहुंच गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले ही जनता दरबार को लेकर के उन्होंने सीएम नीतीश को अलर्ट किया था, उसमें भी आज सुबह 10 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जनता दरबार में भी अफरा तफरी का माहौल है। कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद भी गले में खराश होने की जो है शिकायत की थी और बार बार गर्म पानी मंगवा रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की रिपोर्ट क्या है या उनकी तबीयत कैसी है, इसको लेकर के कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है वो यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद अब उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना सभी को है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।